आज दिनांक 22/1/2021 को हमारे साथ आदरणीय रोनीकोट बार एसोसिएशन से रोनीकोट बार से ये कानूनी अधिवक्ता श्री गुलशन कुमार शर्मा जी जुड़े हैं, जो कि इस बार होने वाले चुनाव में ट्रेजरर पद के लिए खड़े हुए हैं। इनका 906 नंबर रोनीकोट में चैम्बर है। इनसे हम एक विषय में जानकारी चाहेंगे कि अभी ताजा ही जानकारी हमारे को मिली है कुछ एडवोकेट से और विक्टिम से कि 18/1/21 को रोनीकोट परिसर में एक ऐसा बात जानकारी में आई है कि किसी कोर्ट के अंदर किसी एडवोकेट्स को जो है कुछ ऐसे शब्द बोले गए जो जिसको लेकर उनको बड़ी पीड़ा महसूस हुई एक चैम्बर में एक जुडिशियल ऑफिसर द्वारा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सभी रोनीकोट बार एसोसिएशन के जो मेम्बरान हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। अभी कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में कुछ जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो आ रही हैं कि एक हमारे वकील साथी भाइयाँ अधिवक्ता हैं जिनके साथ 18 जनवरी को कुछ मिसबिहेव हुआ। हमारा बार और बेंच का जो है एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, तो मैं इस संबंध में यही कहना चाहूँगा कि जो बार और बेंच है वो आपस में मिलकर अगर लीगल कम्युनिटी के लिए काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे सभी लीगल फर्टिनिटीज़ के लिए, बनस्पत की वो एक दूसरे के खिलाफ होकर काम करें। अगर यदि इस तरह का कोई इंसिडेंस हुआ है तो उसके लिए जो कंसर्न जो अधिवक्ता हैं उनके पास अपने लीगल राइट्स हैं, उन्होंने अपने जो है कंप्लेंट्स भी दी हैं, और डीजे डिस्ट्रिक्ट जज जो रोहिणी है उनको भी उन्होंने लिखित में दिया है, और जो प्रेजेंट कमेटी और एक्स ऑफिशियो हैं उसको भी इस बात की जानकारी दी गई है। सभी मिलकर इस मामले को शॉर्ट आउट करेंगे और रोनीकोट के अंदर एक सौहार्दपूर्ण जो वातावरण है वो बनाए रखेंगे ताकि लोगों को यहाँ पर जस्टिस और न्याय मिल सके। जैसा कि ये कंप्लेंट की कॉपी हमारे को मिली है एक एडवोकेट द्वारा, साहब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये कॉपी है हमारे पास जो उन्होंने बार एसोसिएशन में रिसीव कराई है। एक कॉपी है ये जो डीजे ऑफिस के कार्यालय नॉर्थ वेस्ट रोनी में ये कराई गई है, कॉपी हमारे को मिली है। तो अब इससे ये तो साफ स्पष्ट होता है कि कहीं ना कुछ प्रॉब्लम तो हुई रही है। तो मैं ये चाहूँगा कि क्या आपकी बार या बीइंग एन एडवोकेट एक परिवार की तरह इसको मैटर को रिजोल्व होना चाहिए जिससे कि गरिमा बनी रहे एक एडवोकेसी की, प्रोफेशन की भी और जुडिशरी की, एक आम जनता के बीच। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो आप बता रहे हैं जो कुछ कंप्लेंट्स जो मिली हैं इन कंप्लेंट्स के बारे में कि ये एक बार और बेंच के बीच का जो संबंध है उसके संबंधों के विषय में है, और अगर इस तरह का कुछ अगर कोई शिकायतें आ रही हैं तो उसकी जो उचित जांच करानी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो दोषी है उसके दोषी के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है और जो सख्त कदम है वो उठाए जाने चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी हम ये हमारे को जानकारी मिली कि हाईकोर्ट में ये मैटर शिकायत पत्र गया है, इसकी प्रति कॉपी गई है, और हम उसकी जो जानकारी हमें मिलेगी हम आपसे साझा करेंगे और आपके विचार जानेंगे कि इसके बारे में क्या कानूनी कदम एक विक्टिम का होता है और एक एडवोकेट के क्या राइट्स होते हैं, इसके बारे में आपसे जानेंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा मार्गदर्शन किया और हमारे साथ हजारों एडवोकेट्स का और उन विक्टिम्स का जो कि 1,35,00,000 की संख्या में इस देश के अंदर है, और जिसमें से मोस्टली एक बहुत बड़ी संख्या 75% ऐसी है कि जो इलिटरेट जनता है उनके लिए भी आपका आज ये जो आज आपकी शब्दावली है जो आपने मार्गदर्शन किया है उनके लिए एक बहुत जरूरी ये इंटरव्यू रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाइयों को नमस्कार।